मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु हमारे बीच में उपस्थित होकर के आप हम सभी को आपके दर्शन और सहवास का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे प्रार्थना। थैंक यू बाबा, जय बाबा। बिलवड गॉड, हेल्प अस ऑल टू लव यू मोर एंड मोर एंड स्टिल येट मोर टिल वी बिकम वर्दी ऑफ यूनियन विद यू, एंड हेल्प अस ऑल टू होल्ड फास्ट टू बाबाज दामन टिल द वेरी एंड। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। जय सभी को, जय बाबा। शुरू करते हैं क्रिएशन एंड इट्स कॉजेज। अच्छा, कस करायचं? डबल करणार, टच करणार, पांढऱ्याला पांढऱ्या मध्ये पांढऱ्या पोर्शन। ये क्रिएशन एंड इट्स कॉजेज हम पढ़ रहे थे। अभी इसमें घटनाक्रम दिया है कि उस समय क्या क्या घटित हो रहा था मेहराबाद में, और आज हम देखेंगे प्रेम आश्रम का उदय कैसा हुआ। ये इसलिए कि बाबा के लेक्चर शुरू करने के पहले वहाँ क्या सब गतिविधियां चल रही थी, क्या माहौल था, ये सब समझने के लिए ये देख रहे। तो पिछले बार हमने 4 जनवरी तक घटनाक्रम देख लिया था, अभी आज आगे से हम देखेंगे 5 जनवरी से आगे देखते हैं क्या क्या हुआ इसमें। एक एक वाक्य बस इधर जाए। जय बाबा। कंफर्टेबल। 5th January, सम आई हैव सिलेक्टेड फॉर देयर लव, सम फॉर देयर हार्ट एंड सम फॉर देयर हेड। वसंत वाज स्टिल इन टीयर्स। 20 wives हैव रियल सिंसियर लव इंक्रीजिंग एवरी डे, but baba derived real satisfaction in seeing this। acha to humne dekha thi bachchon mein, abhi mera ashram ke bachchon mein ye sab rona matlab daivi prem unme jo shuru ho gaya aur uska jo dhamaka ho raha hai wo jo prakatikaran uska ho raha hai ek tarah se uske aage baba bolte hai ki kuch bachchon ko maine चुना है उनके प्रेम के कारण, और कुछ बच्चे जो प्यूरिटी ऑफ हार्ट, शुद्धता जो है हृदय की, अच्छा हृदय होना भी एक बहुत अहम बात होती है, बहुत दुर्लभ बात होती है, बहुत गिने चुने को मिलता है। कुछ को मैंने चुना है उनके हृदय के कारण, और कुछ जो है वो इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, उनके सर के हेड मतलब इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता के कारण मैंने उनको चुना है। मतलब सभी प्रकार के बाबा ने लोग चुने उसमें। वसंत किम्बुणे नाम का जो लड़का है जो रोते जा रहा है अनियंत्रित रूप से, उसका रोना नहीं रुक रहा था, और बाबा ने कहा कि यदि ये ऐसा ही चला तो वो एक दिन पागल हो जाएगा। पागल होना मतलब अपना स्वयं का अस्तित्व भूल जाएगा, और बाबा ने कहा कि वही वो क्षण है, उस समय में उसको पुश करने से उसको ईश्वर साक्षात्कार मिल जाएगा। और इन बच्चों के लिए बाबा ऐसे क्षण की इंतजार कर रहे थे कि किस क्षण वो आएगा तो उनका काम कर देंगे। आगे बाबा यहाँ पर दिया है कि वसन वाज स्टिल इन टीयर्स, तो वसन किम्बुणे का रोना अभी भी चालू था। बाबा कहते हैं कि जो 20 बच्चे हैं वो वास्तव में सच्चे हैं, ईमानदार है, यथार्थ में उनमें दैवी प्रेम उत्पन्न हुआ है जो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, और इससे बाबा को बहुत संतुष्टि हुई। उनका दैवी प्रेम की जो प्रगति चल रही थी उसको देख करके बाबा बहुत खुश थे। आगे देखते हैं 6 जनवरी। 6th January, दिस मॉर्निंग अबाउट 10 to 12 इंडियन सोल्जर्स, प्रोबेबली पंजाबी और बलोचीज, while marching past Mehrabad on their way to Visapur, desired Shri's darshan. अच्छा, इस दिन क्या हुआ, 6 जनवरी को सवेरे सवे ये 10 से 12 जो सैनिक थे, जवान थे, वो शायद या तो पंजाबी या बलूचीज होंगे, तो
तो वो मेहराबाद से विसापुर की तरफ, वहां पर विसापुर में बहुत बड़ा जेल है, मिलिट्री का कैंप भी था उस समय में, तो विसापुर की तरफ जब जा रहे थे तब उन्होंने बाबा के दर्शन की इच्छा की। और ये 1927 का काल है और ब्रिटिश का राज था और महायुद्ध का उस समय भी माहौल चल रहा था, पहला महायुद्ध था, हाँ तो पहला हो गया था और दूसरे का माहौल मतलब हाँ। Permitted and taken up the hill by Jal, they paid a military salute and homage to Sri at about 7:45 a.m. तो जब जाल ने उनको अनुमति दे दी तो फिर वो मेहराबाद के टीले पर, मेहराबाद की हिल पर आकर के उन्होंने आदर आदर के लिए उन्होंने अपना मिलिट्री स्टाइल का सैल्यूट बाबा को ठोका। ये करीब करीब 8:15 सवेरे के। After they had gone and when the boys were finished preparing for school, Shri called all near him, informed them of morning incident of soldiers coming from far off seeking Shri's darshan and reminded them of their good fortune of being near Shri. हाँ तो इन लोग जब बाबा को सैल्यूट ठोक के ये जवान चले गए तो जैसा हमने पहले भी देखा कि अवतार के संबंध में कोई भी जो कृति होती है, कार्य होती है, उसका विश्व भर में उसका परिणाम होता है। तो ये दूसरे महायुद्ध की शुरुआत होने वाली थी, अभी मतलब माहौल खाली बना था उस समय में, ये सैनिकों का आकर के बाबा को सलाम ठोकना एक अपने आप में बहुत अहम बात थी। तो जैसे वो बाबा को सैल्यूट करके चले गए तब बाबा ने, और बच्चों की तैयारी पूरी हो चुकी थी स्कूल जाने के लिए, जब बच्चे उन तैयारी कर चुके तो बच्चों को बाबा ने सभी को बुलाया और उनको सवेरे जो ये घटना घटी जवानों का बाबा के पास आना और बाबा का दर्शन लेना, तो इसके बारे में बाबा ने सभी को, ये बच्चों को और बाकी मंडली जन को जानकारी दी इस चीज की। और बाबा ने ये भी कहा कि उन जवानों का नसीब बहुत अच्छा है, कितना अच्छा, गुड फॉर्चून, उनका नसीब बहुत अच्छा है क्योंकि उन्होंने बाबा के दर्शन किए हैं। आगे बाबा क्या कहते हैं, They should make the most of this opportunity by creating love. तो ये जो उनको अपॉर्चुनिटी, संधि, अवसर मिला, ये जो सुअवसर उनको मिला बाबा के दर्शन का, उसको उन्होंने बहुत अच्छा उपयोग करना चाहिए दैवी प्रेम निर्मिति के लिए। Then he referred to the probability of great war arising in the very near future and said that the advent of the soldiers for salutation was a hidden hint or indication of the same. तो बाबा ने तभी कहा कि अभी बहुत बड़ा युद्ध, इन जवानों का अभी यहाँ पर आना यह ऐसा दर्शाता है कि अब आने वाले कुछ ही दिनों में एक बहुत बड़ा युद्ध होगा, इसकी तरफ इन सैनिकों का यहाँ आना निर्देश करता है और इसमें एक छुपा हुआ संकेत है। The boys arrived at school about half an hour late and subsequently Shri sent orders with Jal to close the school at 11 a.m. and send the boys up the hill at once since Shri's bath and washing of his feet were to take place immediately. अच्छा, ये बच्चे जब स्कूल गए तो वो थोड़ा उनको आधा घंटा देर हो गया और बाबा ने फिर जाल को आज्ञा भेजी कि स्कूल जल्दी बंद कर दीजिए, 11 बजे स्कूल खत्म करके बंद करके यहाँ पर बाबा के दर्शन के लिए, बाबा के पैर धोने के लिए और बाबा को नहलाने के लिए वो बच्चों को तुरंत ऊपर भेजा दिया जाए। Later, Baba explained that on the previous night, a secret conference of the great masters was held in Baba's cabin, wherein the coming great war was discussed. Baba ने ये कहा कि बाबा की केबिन मतलब क्रिप्ट केबिन में अगली ही रात ये एक गुप्त बैठक चली
किसकी गुप्त बैठक, ये बहुत बड़े जो गुरु है मास्टर्स है उनकी बहुत बड़ी गुप्त बैठक बाबा की केबिन में अगले ही रात मतलब 5 जनवरी के रात में ये बैठक हुई है, संपन्न हुई है। और इस बैठक में जो आने वाला बहुत बड़ा महायुद्ध है इसके ऊपर चर्चा हो गई। ये हम देख रहे हैं कि दूसरा महायुद्ध के पहले के ये दिन है। बाबा देन डिक्लेयर्ड टुडे इज द बेस्ट डे द फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर एक्टिविटीज व्हेन द फाउंडेशन ऑफ द अवतारिक पीरियड ऑफ वर्क इज लेड। तो बाबा ने कहा कि आज का दिन एकदम अच्छा दिन है और ये इसलिए कि आगे की जो गतिविधियां है और जो इस अवतारिक पीरियड इस अवतार कार्य का जो कार्य है वो महत्वपूर्ण कार्य की नींव जो है वो आज डाली जाने वाली है, मतलब 6 जनवरी 1927 को उस आगे चलने वाले कार्य की नींव डालने जाने वाली है। इसलिए आज का दिन मतलब 6 जनवरी का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा बाबा ने कहा। आगे 7 जनवरी 7th जनवरी दो बाय दिस टाइम द अनकंट्रोल्ड कलेक्टिव वेपिंग अमंग द स्कूल बॉयज हैड स्टॉप्ड टुडे अब्दुल्ला पकरवान वेंट इनटू अ फिट ही वुड नॉट हैव सबसाइडेड इन हिज ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग्स हैड शी नॉट ऑफर्ड हिज कप ऑफ टी। 7 जनवरी को बच्चों का जो अनियंत्रित और पूरा सभी का साथ में रोना है वो चालू ही था, वो रुका नहीं था, नहीं सॉरी इट हैड स्टॉप्ड। तो बच्चों का जो पूरा मास सारे बच्चों का अनियंत्रित रोना किसी तरह से रुक गया था, परंतु अब्दुल्ला पकरवान जिसको कि बाबा ने बाद में छोटा बाबा करके उपाधि दे दी थी तो उसको फिट आ गई है। और बाबा ने ऐसा कहा कि बाबा ने यदि उनका चाय का कप उसको नहीं दिया होता या बाबा ने अगर मदद नहीं की होती तो उसका जो फीलिंग्स है भावनाएं इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता था और वो शायद चला भी जाता था, मर भी जाता था यदि बाबा उसमें इंटरवेन नहीं करते थे। तो समय पर आ करके उसके आगे विस्तृत में चर्चा इस घटना की है कि शरीर को भी वो जो दैवी प्रेम है वो सहन करने की ताकत होनी चाहिए और कई बार होता है कि उसमें वो शरीर टूट जाता है फिर उनका प्रवास आगे के जन्म में होता है। वो बाबा नहीं चाहते थे और ये बच्चा भी था ये घटना होने से बचाने के लिए और इसको आगे बढ़ाने के लिए बाबा ने उसकी मदद की, उसको चाय का कप पीने के लिए दिया और उसका जो है मतलब यदि नहीं वो ऐसा करते तो शायद मर जाता था। आगे देखते हैं 8 जनवरी 8 जनवरी इन टीयर्स एज यूजुअल वसंत रिफ्यूज्ड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम बाबा। बाबा कॉल्ड हिम एंड अलाउड हिम टू स्लीप ऑन हिज लेग। अच्छा आगे दिन वसंत किंबुने का रोना अभी भी चल ही रहा था हमेशा की जैसा वो, लेकिन उसने आज बाबा के पास से हिलने के लिए मना किया कि मैं बाबा के पास ही बैठूंगा और फिर बाबा ने उसको बुला के अपने पैरों पे सोने दिया, मराठी में बोलते हैं मांडी और झोपू दिला या पैरों पर बाबा की पैरों पर बाबा ने उसको सोने दिया। अब्दुल्ला टू वाज इन टीयर्स ड्यूरिंग प्ले टाइम। तो खेल कूद के समय में अब्दुल्ला पकरवान को भी रोना आ गया था, वो भी आंसू बहा रहा था। In general conversation later, Baba commented that great though Vasant's experience might have been, owing to his innocence, Ali was greater still. But the greatest of all was KJ Dostur, who, forgetting all the sense of his education, had been overpowered by his deep love for Baba and had spent almost the entire day with him. अच्छा बाबा यहाँ पर बच्चों का जो प्रगति है किसका क्या खासियत है वो बोल रहे थे कि बाबा कहते हैं कि वसंत किंबुने का जो बाबा रोना है और बाबा के साथ में रहना है इसके ऊपर बाबा ने कहा कि उसकी निष्पापता मासूमियत के कारण ये सब है, लेकिन इसका आली का जो है वसंत एक्सपीरियंस माइट हैव बीन ओइंग टू हिज इनोसेंस। हाँ तो वसंत किंबुने का जो अनुभव है आध्यात्मिक वो उसकी
मासूमियत के कारण है, परंतु अली का जो है, मतलब सैयद अली है ना, अली का अनुभव जो है उससे भी श्रेष्ठ है। वसंत का अनुभव श्रेष्ठ है ही, वो उसके मासूमियत के कारण है, परंतु अली का उससे भी श्रेष्ठ है। लेकिन इन सबसे अधिक श्रेष्ठ है केजे दस्तूर, जो कि बाबा के मंडली जनों में से, शिष्यों में से एक था। वो क्या है, अपनी इतनी उच्च शिक्षा के बावजूद ये बढ़ती उम्र में सब कुछ भूलकर वो दैवी प्रेम से इस तरह से प्रभावित हो गए हैं और बाबा के प्रति इतना गहरा प्रेम उनमें उत्पन्न हो गया है कि पूरा दिन वो बाबा के प्रेम के ख्याल में बिताते हैं। During the day, Baba composed this couplet. Who weeps for love, he weeps the best. Who cries for else, he does not but a jest. तो बाबा की जैसे आदत थे, बाबा ने एक छोटा काव्य या दो पंक्तियां वहां पर रची है और फिर बाबा ने ये कहा कि जो प्रेम के कारण या प्रेम में रोता है, वो रोना, वो आंसू सबसे श्रेष्ठ होते हैं, बेहतरीन होते हैं, परंतु और कोई चीज के लिए यदि कोई रोता है तो वो खाली गड़बड़ मामला है। आगे चलते हैं, 9th January. According to Lord Meher, that morning Baba suddenly broke off a session of explanation to the boys, telling them that he was not in the mood to finish. There is some communication going on with the one in London, the one on the path between the 4th and 5th planes. अच्छा, यहाँ पर 9 जनवरी को उन्होंने अभी लॉर्ड मेहर का दाखला देकर कहा है कि लॉर्ड मेहर में जो दिया है उसके हिसाब से 9 जनवरी को सवेरे अचानक बाबा ने स्पष्टीकरण देना, प्रवचन देना बच्चों को शुरू किया और बाबा ने कहा कि ये सब खत्म करने के मूड में बाबा नहीं थे और बाबा ने कहा कि जो कोई एक लंदन में है उसके साथ में उनका संभाषण हो रहा है। अब ये जो लंदन में है वो 4th और 5th भूमिका के बीच में है। इंस्ट्रक्शंस आर बीइंग गिवन टू हिम एंड माय अटेंशन इज नीडेड। अच्छा, उसको जो है, जो लंदन में है, कभी कभी ये एजेंट होते हैं, उनको स्वयं को पता नहीं होता है कि वो एजेंट है। कुछ एजेंट होते हैं, उनको मालूम होता है वो एजेंट है। अब ये जो 4th और 5th भूमिका के बीच में जो लंदन में था, उसका और बाबा का संभाषण चल रहा था, ये सब मतलब दृश्य नहीं होता है, क्योंकि उनकी इतनी पावर्स होती है, शक्तियां होती है, उनका उपयोग करके वो माध्यम से दृश्य नहीं होता है, अदृश्य तरीके से उसको किया जाता है। तो बाबा कहते हैं कि वो जो है, जो एक कोई लंदन में है, उसको सूचनाएं दी गई है, क्योंकि मेरे गाइडेंस की, मार्गदर्शन की कोई वहां पर जरूरत थी। Later that day, in his cell in Sadhak Ashram, Gopal Swami saw yet another, even more dazzling light, which he later claimed nearly blinded him. अच्छा, यहाँ पर ऐसा कहा है कि 9 जनवरी को जो साधक आश्रम, हमने देखा कि साधक आश्रम समाधि अब जो है उसकी पूरब की तरफ में वो 6 खुलिया थी, उसमें 5 साधकों को, जो बाबा के मंडली जन नहीं, ऐसे शिष्यों को बाबा ने चुनकर स्वयं एकांतवास और उपवास के लिए बिठाया था और उनको ये मेडिटेशन उनका चल रहा था, बाबा का जाप वगैरह। तो उसमें से यहाँ पर गोपाल स्वामी लिखा है, लेकिन यहाँ थोड़ी गड़बड़ है, जैसे कि हमने देखा कि ये मणेकर के बारे में पहले दिया है, इसी किताब में पहले इसका उल्लेख मणेकर के बारे में है, परंतु जाने दो, जैसा मेरा मणिमाई कहती थी कि डेट, प्रसंग या समय या प्लेस इधर उधर हुआ तो कोई बात नहीं, वैसा उसको छोड़ देते हैं कि वहां, यहाँ वो बोलते हैं कि गोपाल स्वामी को वापस और तेज प्रकाश दिखाई दिया, जिससे कि वो करीब करीब अंधा होने की कगार पर था। अब ये है मणेकर के बारे में हुआ, क्योंकि उनको पहले भी ऐसा प्रकाश दिया था, दिखाई दिया था अचानक से तेज प्रकाश, और फिर बाद में भी, इसकी बाद में भी एंट्री इसी किताब में और एक बार आएगी कि बाबा की खिड़की से जब बाबा प्रवचन दे रहे थे सवेरे सवेरे, तो अचानक उसको एकदम तेज प्रकाश वहां से आते दिखाई दी। He was in a state of bliss and would spontaneously sign out Baba's name.
सिंग आउट, और वो जो है इस प्रकाश के कारण एकदम अत्यधिक आनंद की अवस्था में था और सहजतया वो स्वाभाविक रीति से बाबा का नाम गुनगुना रहा था, गा रहा था। आगे चलते हैं 10 जनवरी। इसको हम इसने फटाफट फटाफट जितना तेजी से ले सकते, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आगे बाबा के लेक्चर एक्चुअल पढ़ने की उत्सुकता सभी को है। After lapse of several days, the evening lecture series resumed with particularly historic discussions of the 7 divisions of energy. This subject treated being difficult, Sri said, it will be cleared next day. तो 10 जनवरी को, 10 जनवरी को कई दिनों के बाद, बीच में ये जैसा किसी को अस्पताल ले जाना पड़ा, किसी ने अपना होश खो दिया बच्चों का, तो कुछ दिन लेक्चर थोड़े बंद हो गए थे। तो बाबा ने कई दिनों के बाद वो शाम के लेक्चर की प्रवचन की श्रृंखला वापस से शुरू हो गई है। खास करके जो गूढ़ अनुभव और गूढ़ सारी चीजें है, जैसे कि 7 आसमान, 7 सूरज, 7 स्वर्ग वगैरह, तो ये जो चर्चा है और 7 प्रकार की एनर्जी या जो ऊर्जा है उसके 7 विभिन्न प्रकार, ये एक गूढ़ टॉपिक था, विषय था, इसके ऊपर चर्चा शुरू हो गई। ये आगे हम इस किताब में देखने वाले हैं 10 जनवरी का, यहाँ पर जो लेक्चर बाबा ने दिया। ये विषय बहुत कठिन था और इसके लिए बाबा ने कहा कि इसको अगले दिन इसके ऊपर चर्चा की जाएगी। अब देखते हैं 11 जनवरी। 11th January, Lord Meher describes the events of this day thus. Baba was not in a good mood all afternoon. अच्छा, 11 जनवरी को लॉर्ड मेहर में इसका वर्णन ऐसा किया है इस दिन का। 11 जनवरी का जो भी वर्णन है वो लॉर्ड मेहर से यहाँ लिया गया है और उसके बारे में वहाँ वो लिखते हैं कि आज बाबा बिल्कुल अच्छे मूड में नहीं थे, बाबा का मूड बहुत खराब था। बुआ साहिब वाज सीवियरली टेकन टू टास्क, बट व्हाइल डिस्कोर्सिंग टू द बॉयज एंड मंडली हु वर सीटेड ऑन द प्लेटफॉर्म आउटसाइड हिज केबिन, ही डिस्क्लोज्ड, दोज हुम आई फाइंड वर्दी I shall attract to the mistress of love, and to them I shall offer the elixir of life. तो इस दिन क्या हुआ कि जो बुआ साहेब, हमने देखा है कि वो पूरा आश्रम का प्रबंधन देखते थे, तो उनको बाबा ने बहुत डांटा और बच्चों के साथ जब बच्चों को बाबा डिस्कोर्स दे रहे थे, प्रवचन दे रहे थे, और मंडली को जो कि प्लेटफॉर्म पर, मतलब साधक आश्रम के सामने जो प्लेटफॉर्म था इसके ऊपर ये बैठे थे, ये लोग उनको बाबा लेक्चर दे रहे थे, तो बाबा ने कहा, Those whom I find worthy, I shall attract to the mistress of love, कि बाबा ने उजागर किया कि जो मुझे ऐसे उसके काबिल लगते हैं उन लोगों को मैं प्रेम की देवता या प्रेम की स्वामिनी के तरफ लेके जाऊंगा, मतलब उनको देवी प्रेम दिया जाएगा जो उसके काबिल है, और उनको मैं जीवन की एलिक्सिर, आई शैल ऑफर द, जो जीवन सुधा है वो दे दूंगा। चिल्ड्रेन, ओनली ट्रूथ इज रियल, बाबा आगे बच्चों को कहते हैं, बच्चों केवल सत्य ही वास्तव है, बाकी सब झूठ है, मिथ्या है, अर्थहीन है, बेकार है, ऑल एल्स इज वर्थलेस, ट्राई टू बी डिलीजेंट। बाबा उनको, बच्चों को, बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा एक डिस्कोर्स बच्चों को दे रहे हैं और बाबा बच्चों को बोल रहे हैं कि आप सावधान रहो, मेहनत करो, किस लिए मेहनत करो, ये दैवी प्रेम अपने आप में उत्पन्न करने के लिए। आई शेल मेक pure gold from your mixed alloys, आपका ये जो विभिन्न प्रकार का mixed alloys, मतलब अलग अलग धातु है, इसमें से मैं एक शुद्ध सोना आप में से निर्माण करूँ, मतलब क्या कि उनकी प्रेम के माध्यम से उनके संस्कार घटा के उनकी इतनी प्रगति की जाएगी, दैवी प्रेम बढ़ा के, तो उनको एक शुद्ध सोने में, मतलब एक शुद्ध प्योर आत्मा उनमें से निर्माण कर दूंगा, ऐसा बाबा ने उन बच्चों को
बताया और वैसा ही वास्तव में आगे चल के हम देखने वाले हैं हो गया. सडनली अब्दुल्ला सॉ एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी फ्लैश ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम बाबाज विंडो. अचानक जैसे हमने देखा कि बाबा उपवास कर रहे थे, एकांतवास स्क्रिप्ट केबिन में कर रहे थे और वहां बैठ करके बाबा बच्चों को ये लेक्चर दे रहे थे जो बच्चे प्लेटफॉर्म पर बैठे थे. अब बाबा वहां से लेक्चर दे रहे हैं ये शाम की समय में और बच्चे सामने बैठे हैं पूरब की खिड़की के बाहर प्लेटफॉर्म पे. तो अचानक जो अब्दुल्ला पकरवान है उसको एक असाधारण प्रकाश का झोत या गोला बाबा की खिड़की से आते दिखाई दिया. Overpowered, he fell down unconscious and at Baba's direction, he was removed to the hospital. ये जो प्रकाश का दिखना है, अत्यंत तेज प्रखर प्रकाश को देख करके वो बेहोश हो गया और फिर बाबा के निर्देश से उसको अस्पताल में भर्ती किया गया. Baba removed his jacket and although the weather was quite cold, his chest was covered with a perspiration. तो बाबा ने उसका जैकेट निकाला दिया और ठंडा मौसम था उसके बावजूद उसके सीने पर पूरा अब्दुल्ला के सीने पे पसीना पसीना हुआ था. बाबा एक्सप्लेन दैट ही वाज वर्किंग टू रेज अब्दुल्ला टू द सिक्स्थ प्लेन. अच्छा, बाबा ने इसके लिए स्पष्टीकरण दिया कि अब्दुल्ला पकरवान की इतनी प्रगति हो चुकी थी, वो उसका रोना तो चालू ही था, उसका इस तरह से ये था, उसको लाइट भी दिखाई दिया, अलग अलग तरह कैसे अनुभव उसको आए और बाद में उसने ये अनुभव बता के उस अनुभवों को एक किताब में भी तब्दील किया गया है, उसके बारे में भी हम देखेंगे. तो बाबा ने अब्दुल्ला के बारे में स्पष्ट किया, लोगों को समझाया कि बाबा उसके ऊपर काम कर रहे है और बाबा ये कोशिश कर रहे, बाबा का ये प्रयास है कि अब्दुल्ला को छठवी भूमिका तक ऊपर उठाने का प्रयास बाबा कर रहे हैं. मतलब देखो क्या यहाँ उसकी लॉटरी लग गई बोल सकते हैं सादी भाषा में. एक बच्चा हमको याद होगा आप लोगों को कि अब्दुल्ला पकरवान वो है कि जिस दिन ये मेहराश्रम का दाखिला देने का जो दिन था वो बंद होने वाला था, उस समय ये लड़का अकेला चल के आया था और ये अनाथ बच्चा है, इसको कोई उसके पालक पिताजी लाए नहीं थे स्कूल में दाखिल करने के लिए, ये स्वयं स्कूल में दाखिल होने के लिए आया था. तो उस अब्दुल्ला को बाबा लोगों को बता रहे कि मैं छठवीं भूमिका तक ऊपर उठाऊंगा और बाबा ने ऐसा ही आगे किया. यहाँ एक छोटा फुटनोट है, सॉरी एंड नोट है, उसको पढ़ करके फिर आगे हम जाते हैं. अच्छा, आपको किसी को यदि इसके बारे में और पढ़ना है तो लॉर्ड मेहर का वॉल्यूम 3 में, लॉर्ड मेहर का वॉल्यूम 3 में पेज नंबर 1006 1006 के पेज पर इसका सब पूरा ब्योरा दिया गया है. लॉर्ड मेहर मौनवाणी वॉल्यूम 2 पेज 743-744. Abdullah Pakarwan's extraordinary experiences in the upper reaches of the spiritual domain, as related by him in an account that he wrote during this period, begin in real in earnest from this day. अच्छा, अब्दुल्ला पकरवान ने बाद में अपने सब अनुभव बता के किताब लिखी है. ये अनुभव उसने बताए और इसके ऊपर जो किताब लिखी गई है जो शुरू के दिनों में हुए, तो खास करके ये किताब की शुरुआत जो है जो अब्दुल्ला पकरवान द्वारा लिखी गई या बताई गई और किसी और ने लिखी, उसके ये अनुभवों की शुरुआत इस दिन से, इस खास दिन जो 11 जनवरी की, जिस दिन बाबा ने कहा कि उसको मैं छठवीं भूमिका तक ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, यही वो दिन है जब उसने बाबा प्रवचन देते समय बाबा की खिड़की से तेज रोशनी आते हुए देखी थी, जिसको वो सह नहीं पाया और बेहोश होकर गिर गया और उसको बाद में अस्पताल भर्ती गया. इसी दिन से उसके अनुभवों का शुरुआत होता है जो किताब ने उसमें लिखे हैं. According to Chanji's diary, Abdullah was saved from nearly dying. अच्छा, चांची की डायरी में ऐसा लिखा है कि अब्दुल्ला करीब करीब मरने की कगार पर था और बाबा ने उसको मरते मरते इस अनुभव से बचा लिया है. बाबा's evening lecture was cancelled
doubtless because of Abdullah's condition. And he cancelled the Mandali discourse at 6:30 p.m. and his own personal darshan to the boys, which was part of the usual evening routine. हाँ, तो कितना महत्वपूर्ण ये था, या अब्दुल्ला पकरवान की हालत कितनी खराब हो गई, इसका अंदाजा हमें इससे आता है कि बाबा ने अपने शाम के लेक्चर उस दिन कैंसिल कर दिए। जो मंडलीजन को बाबा लेक्चर देते 6:30 देते थे, वो भी कैंसिल किए। यहाँ तक कि बच्चों को रोज शाम को बाबा दर्शन देते थे, एक तो लेक्चर के पहले आधे को, लेक्चर के बाद में आधे को बाद में शुरू किया था, तो और शुरू में पहले भी लेते थे बच्चे दर्शन और बाद में भी बच्चे दर्शन देते थे, तो ये सब बाबा ने कैंसिल कर दिया उस दिन। इससे समझ में आता है कि शायद वो जो अब्दुल्ला पकरवान की हालत हो गई, इस हालत की वजह से बाबा ने ये लेक्चर कैंसिल कर दिए थे, दर्शन तक कैंसिल कर दिया बच्चों को देना। तो इसे समझ में आता है कि अब्दुल्ला पकरवान की हालत कितनी नाजुक होगी और बाबा किस तरह से उसके ऊपर कार्य कर रहे थे। आगे देखते हैं 12 जनवरी। 12th January, बाबाज मदर शिरिन विजिटिंग फ्रॉम पुणे आज बाबा टू स्टॉप द बॉयज फ्रॉम क्राइंग। बाबा इशूड एन इमीडिएट ऑर्डर फॉर हर मासाजी एंड राव साहेब टू गो अवे। 12 जनवरी को बाबा की माताजी जो है शिरिन माई, वो पूना से जाते जाते मेहराबाद आए थे और बच्चों का ये सब रोना धोना हालत देख करके, फिर वो तो स्वाभाविक था, एक तो लेडी है और बाबा की मदर है, हम सब जानते हैं उनके तो तरीके से, तो उन्होंने बाबा को बोला कि मेरो ये सब रोना धोना बच्चों का बंद कर दो, ये क्या चल रहा है, अच्छा नहीं है। तो बाबा ने उनको बोला, तुरंत उनको आज्ञा दी कि मासा जी राव साहेब उनको लेकर के पुणे जाओ, उनको बोला कि आप यहाँ से तबड़तोब निकल जाओ, क्योंकि बाबा को पता था वो क्या कार्य कर रहे, उसकी अहमियत क्या है, उसकी किस दर्जा का है, बाहर के लोगों को उसको समझना कठिन था। और ये केवल उन बच्चों पर बाबा कार्य नहीं कर रहे थे, तो ये सब जो बच्चे हैं पूरे दुनिया के उस एज ग्रुप के बच्चों का ये बच्चे प्रतिनिधित्व करते थे, उनके जरिए बाबा पूरी दुनिया के बच्चों पर उस समय कार्य कर रहे थे। तो बाबा को ये दखलअंदाजी उनके माताजी की पसंद नहीं आई और बाबा ने उनको चले जाने के लिए कहा। आगे देखते हैं 13 जनवरी। 13th January, एट ए स्पेशल मीटिंग ऑफ द बाबा स्टाफ इन द लेट आफ्टरनून, बाबा अंडरस्कोर दैट The school was only a means of inducing the boys onto the spiritual line. The root purpose was not to encourage study, but to cultivate prem. उस दिन शाम को जब बाबा ने चर्चा की है, एक खास मीटिंग बाबा ने अपने स्टाफ की, जो सारे ये देखभाल कर रहे थे मेहराश्रम के और हजरत बाबा जान स्कूल की, मेहराबाद की, सभी को बाबा ने बुला करके एक खास बैठक की और उसमें बाबा ने बताया कि ये जो है, मतलब रेखांकित किया जो देकर बाबा ने कहा कि स्पिरिचुअल या आध्यात्मिकता में ये बच्चों के लिए ये स्कूल कितना महत्वपूर्ण है। ये स्कूल केवल एक माध्यम है, सॉरी, स्कूल वॉज ओनली अ मीन्स ऑफ इंड्यूसिंग द बॉयज, ये बच्चों को आध्यात्मिक पथ पर लाने के लिए एक स्कूल एक केवल माध्यम है, इसके ऊपर बाबा ने जो दिया। और इसका मूल उद्देश्य जो है ये बच्चों को पढ़ाई के लिए उत्साहित करना ये नहीं है, परंतु उनमें दैवी प्रेम की जागृति करके दैवी प्रेम को बढ़ावा देना, ये मूल उद्देश्य इस स्कूल की, जय बाबा अमृत जी, इस स्कूल के माध्यम से, इस स्कूल की स्थापना में ये मूल उद्देश्य है। A time will come when these boys will not want to study. They will forget their meals and take leave of their senses. About 15 or 20 will become like this. बाबा कहते हैं ऐसा एक समय आएगा कि ये बच्चे अपनी पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं लेंगे, ना ही खेल कूद में, खाने पीने में करेंगे, उनका बिनसूद हो जाएंगे, कोई उनको अचेतन हो जाएंगे इन चीजों की तरफ, मतलब उनका अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा और इनमें से जो है ये 15 या 20 जो है वो इस तरह के बनेंगे, क्योंकि उनको मतलब दुनिया से दूर हो जाएंगे, उनकी इतनी आध्यात्मिक प्रगति हो जाएगी, वो अपने आप को भूल जाएंगे, खाना पीना भूल जाएंगे इस तरह से। बट दिस
living of everything must happen spontaneously and should originate with them. परंतु ये जो है सब कुछ छोड़ देना, त्याग देना, खाना पीना, खेल कूद, ये सहजता से होना चाहिए, स्वाभाविकता से, नैसर्गिकता से होना चाहिए, spontaneously होना चाहिए, जोर जबरदस्ती से नहीं होना चाहिए, और वो अपने से, उनमें से वो आना चाहिए. In the meantime, the school must continue since others will benefit from it. हाँ, परंतु ये सब जब चल रहा है उस दौरान स्कूल चालू होना रहना चाहिए क्योंकि उससे बाकी बच्चों को फायदा होगा. बाबा आज द मंडली टू हेल्प बाबा आज द मंडली टू हेल्प मी इन दिस एफर्ट. बाबा ने मंडली से कहा कि ये जो मैं कोशिश कर रहा हूँ ये बच्चों को आध्यात्मिक पथ पर लाकर उनका आध्यात्मिक विकास करके उनको उच्च आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त करा देने में आप मेरी मदद करोगे. क्योंकि बाबा ने पहले ही बताया था प्रेम के होश में ये आकर बच्चे कुछ भी करते तो उनको वो जो उफान है प्रेम का वो दबाना नहीं है, पर उनका ख्याल तो रखना है, उनको छूना नहीं है, उनसे बात करना नहीं पर उनका ख्याल तो रखना है. ऐसे कई सारे सूचनाएं थी तो यहाँ बाबा उनको बैठक में बोल रहे कि इस कार्य में आप मेरी मदद करो. ऐसा बाबा किसको कह रहे? मंडली जन को कह रहे. Meanwhile, Abdullah Pakravan continued in a state where the image of Baba came continuously before his sight. हाँ, इस दौरान अब्दुल्ला पकरवान की अब अवस्था और उच्च हो गई. वो जिस चीज को देखता था उसमें उसको बाबा दिखते थे, हर तरफ उसको बाबा ही नजर आते थे. ये बहुत अच्छी और खास अवस्था है प्रेम में इतने खो जाना कि उसको हर जगह जो कि वास्तव है, ये सब दुनिया हमको जो दिखता है वो सब झूठ है. वास्तव क्या है? ट्रुथ है, सत्य है. और वो सत्य क्या है? ईश्वर ही हर जगह है, हम सब ईश्वर है. तो हर चीज में उसको जो वास्तव है बाबा नजर आते थे. और यहाँ पर मैं एक मतलब आउट ऑफ द वे जाके जो कि किताब में नहीं है लेकिन आप लोगों ने पिछले बार दो लेक्चर के दो गुरुवार के पहले भाषण सुना होगा अपना बब्बू का नाम क्या है, राजन तिवारी और श्रृंगार तिवारी, तो इनके पिताजी जो है भगीरथ तिवारी. तो मुझे याद है वो एक बार मेरे पिताजी को बोल रहे थे, उसके पहले उन्होंने बोला कि मुझे कहीं कहीं बीच बीच में रोशनी दिखाई देती है. बाद में कई महीनों बाद वो मतलब ऐसे हर बुधवार को आते थे पर कई महीनों बाद की विजिट के दौरान वो मेरे पिताजी को बोल रहे थे कि अब मुझे हर जगह बाबा दिखाई देते हैं, जहाँ भी देखूं मुझे बाबा दिखते हैं, जहाँ भी देखूं मुझे बाबा दिखते हैं. पर फिर उन दोनों में चर्चा हुई और फिर शायद उन दोनों ने तय किया कि और किसी को ये बताना नहीं है, तो शायद उन्होंने किसी को बताया भी नहीं होगा. पर जब वो दादा को बता रहे थे तब मैं वहाँ थी, मैं छोटी थी, स्कूल जाती थी, लेकिन मुझे ये याद जरूर है कि बाद में मतलब उनकी बढ़ती उम्र में भगीरथ मामा को, भगीरथ तिवारी को हर जगह बाबा नजर आते थे, दिखाई देते थे. खैर, यहाँ हम देख रहे हैं अब्दुल्ला पकरवान को हर चीज में बाबा दिखाई देते थे. केजे दस्तूर स्टिल इन द थ्रोज ऑफ एम्पावरमेंट left the school late at night almost senseless. अच्छा, हमने अभी देखा कि पहले 11 जनवरी के इसमें बाबा ने बताया था कि केजे दस्तूर की अवस्था और भी उच्च है क्योंकि ये बढ़ती उम्र में अपनी उच्च शिक्षा को भूलकर वो दैवी प्रेम में इस कदर गहन हो गया है. तो इस दिन क्या हो गया, अचानक से केजे दस्तूर रात को इतना प्रेम से जबरदस्त उसका असर उन पर हो गया कि करीब करीब वो अचेतन हो गए. मतलब बेहोश नहीं बोल सकते, यहाँ सेंसलेस का अर्थ जो है, केजे दस्तूर जो एक स्टाफ थे स्कूल और ये सब मैनेजमेंट देखते थे, तो इतना मतलब बोलते ना बहुत ज़्यादा असर हुआ उनके ऊपर दैवी प्रेम का और वो जेस में वो एक इसमें होश में उन्होंने वो स्कूल छोड़ के चले गए और बेसुध थे, मतलब अचेतन थे, उनको कोई होश नहीं था कि वो कहाँ है, आसपास में क्या है, वो क्या कर रहे हैं. इतना वो प्रेम गहरा हो गया था कि उसमें वो अचेतन हो गए बाकी चीजों के बारे में. मेहर जी करकरिया, वन ऑफ द टीचर्स इन द स्कूल, क्राइड लाइक अ चाइल्ड.
तो बच्चों तो रो ही रहे थे, उनकी प्रगति हो ही रहे थे, लेकिन उनके साथ उनका ख्याल करने वाला जो स्टाफ है, शिक्षक गण है, उनके ऊपर भी असर होने लगा। यहाँ जो मेहर जी करके रिया है, वो एक शिक्षक थे इन बच्चों को सिखाने वाले, तो उनमें भी प्रेम का उन्माद आ करके एक बच्चों जैसा वो रोने लगे। आगे चलते हैं, 14th जनवरी at noon the Mandali washed Baba's feet. At Arati, Rajaram, one of the boys, fell down senseless, though crying out. Taken to infirmary, he was told to think of Shri. अच्छा, 14 जनवरी को दोपहर को मंडली जन ने बाबा के पैर धोए आरती की, लेकिन वो आरती के समय नहीं जाए, ऐसा हमने पहले भी देखा राजा राम की, उसमें दैवी प्रेम बहुत ज्यादा उफान पर था, तो आरती के समय में वो राजा राम बेहोश होके गिर गया क्योंकि प्रेम के कारण। फिर उसको और चिल्लाते हुए फिर एकदम वो बेहोश होके गिर गया आरती के समय में राजा राम। फिर उसको जो चिकित्सालय था उसमें लेके गए, और हमने देखा है चिकित्सालय कहाँ था, जहाँ अभी म्यूजियम है उसकी दक्षिण की तरफ में एक छोटी खोली है, उसकी बाजू से सीढ़ी निकलती है ऊपर जाने के लिए, पहली मंजिल के लिए या टॉवर के रिट्रीट की टॉवर की तरफ जाने के लिए। तो वो छोटी खोली एक ऑफिस का काम करती थी, छोटी खोली में एक बच्चों के लिए चिकित्सालय था। तो आरती के समय में मतलब शाम को जब ये राजा राम बेहोश होके गिर गया, तो उसको वो चिकित्सालय में ले जाया गया और उसको बताया कि वो केवल बाबा के बारे में ही सोचते रहे। मतलब ऐसा नहीं है कि अरे ऐसी अवस्था हो गई तो इसको रुकाना है, बंद करना है, नहीं। यहाँ तो प्रेम में बाबा की इसमें थोड़ा बहुत बीमारी आती है, कुछ गड़बड़ होती है तो लोग गड़बड़ा जाते हैं, डर जाते हैं, बाबा से विनती करने लगते हैं इसमें से ठीक करो, या ये क्या, अरे बाबा का प्रेमी होके इसके इसके हिस्से में ऐसा कैसा आया। परंतु ऐसा नहीं होता है। तो इसको जब राजा राम बेहोश हो गया और उसको चिकित्सालय ले जाया गया, तो उसको बताया गया कि केवल वो बाबा के बारे में ही सोचे। रामा जी, दौलत एंड वसंत वेर ऑल क्राइंग। राम जी, दौलत और वसंत सभी रो रहे थे 14 जनवरी। एंड अब्दुल वहाब कलिंगड बर्स्ट आउट वेलिंग, रिफ्यूजिंग टू ईट और ड्रिंक, हिज आईज एंड माउथ क्लोज्ड। हाँ, जैसे कि हमने पहले भी देखा कि अब्दुल वहाब कलिंगड नाम का जो बच्चा है वो भी रो रहा था, चीख चिल्ला रहा था, और खाने पीने के लिए उसने बिल्कुल मना किया, और उसने विनती की थी कि मुझे बाबा के पास ही रहने दे। उसका मुख बंद था, उसकी आंखें बंद थी, मतलब उसमें दैवी प्रेम इतना उफान पर था कि उसने खाने पीने को मना किया एक बच्चा होकर के। उसकी आंखें बंद थी, मुख बंद थी, और चिल्ला वो अपने रो भी रहा था और चीखा और चिल्ला रहा था। After 14th January, the creation and the causes series of lectures ends. अच्छा, 14 जनवरी के उपरांत, जो 14 जनवरी को क्या हुआ, ये पहले ही 11 जनवरी, 12 जनवरी, 13 जनवरी को अब्दुल्ला पकरवान को प्रकाश दिखाई दिया, और खीजे दस्तूर को असर हुआ, मेहर जी करकरिया को हो गया, और अब्दुल्ला को हर जगह बाबा दिखाई दिखने लगे, वसंत, राम जी, दौलत, इन पर भी बहुत ज्यादा प्रेम का असर हुआ, अब्दुल वहाब कलिंगड़ पर भी, मतलब करीब करीब सभी जो गिने चुने थे वो बहुत ज्यादा असर प्रभाव में आ गए दैवी प्रभाव के। अब 14 जनवरी के बाद ये जो लेक्चर के लिए ये किताब बनी है, बाबा ने जो 34 महत्वपूर्ण लेक्चर इन बच्चों को उस दौरान दिए हैं, ये जो श्रृंखला थी ये बंद हो गई। अब लेकिन वो ऐसा अनाउंस नहीं किया, उसको डिक्लेयर नहीं किया, औपचारिकता से बताया नहीं कि लेक्चर बंद होंगे या शुरू होंगे। तो वातावरण ही ऐसा था कि किसको अस्पताल में डाला, किसको चिकित्सालय में लेके गया है, किसी की जान जाते जाते बचा लिया है। तो जो बाबा का उद्देश्य था शायद वो सफल हो रहा था, बच्चों में प्रेम का विकास हो गया था, आध्यात्मिक विकास हो रहा था, जिस अवस्था तक उनको लाना था बाबा ने उसकी पूरी तैयारी कर ली थी।
तो इसलिए शायद वो प्रवचन का उद्देश्य खत्म हो चुका था या बच्चों के ऊपर बाबा को ध्यान देना था, इसके कारण है। तो बाबा ने ये जो औपचारिकता मतलब प्रवचन की श्रृंखला बंद की गई। Several of the diary entries during the days following records that there was no lecture, though Baba seems to still have met with the boys and given his darshan. अच्छा, इसके बाद में डायरी में केवल उल्लेख आता है कि आज लेक्चर नहीं हुआ, मतलब एक हफ्ता तक डायरी में केवल लेक्चर उल्लेख है कि आज लेक्चर नहीं हुआ, आज लेक्चर नहीं हुआ, आज लेक्चर नहीं हुआ, और फिर भी बाबा जो है बच्चों को नियमित रूप से मिलते थे। चांजीज डायरी डज रिफर हाउएवर टू डिस्कशंस एंड यूजुअल लव इंजेक्शन इन दिस इवनिंग सेशंस। परंतु लेक्चर नहीं हो रहे थे, लेकिन जो प्रेम की निर्मिति करो, प्रेम का विकास करो, ये जो प्रोत्साहन बाबा बच्चों को दे रहे थे वो चालू ही था, चर्चाएं भी चालू रही थी, स्पष्टीकरण भी चालू रहे थे, ये चल ही रहा था। और डायरी में जो उल्लेख आता है चांजी की कि लेक्चर हुआ नहीं हुआ नहीं, वो एक हफ्ते तक आता है, उसके बाद में उसका कोई उल्लेख नहीं है। We also find Baba giving general advice and guidance. अच्छा, एक सामान्य तौर से भी बाबा उनको मार्गदर्शन कर रहे थे, उपदेश कर रहे थे। But nothing like the high metaphysics and cosmology that characterized the 6-week series in December, January appears during any of the records of Baba with the Meher Ashram boys thereafter. हाँ, तो बाबा सामान्य रूप से जो चर्चा करनी थी वो या उपदेश देना था, मार्गदर्शन करना था, वो कर रहे थे। परंतु ये जो गूढ़ तत्व ज्ञान, ब्रह्मांड ज्ञान, तत्व ज्ञान, आत्म तत्व ज्ञान, अध्यात्म पर ये जो गहरा गहन सब चल रहा था प्रवचन, इसका बाद जो कि दिसंबर से 6 हफ्तों तक चला, ये बाद में बंद हो गया। और ये दिया ऐसा कुछ भी उल्लेख बाबा के लिटरेचर में बाद में कहीं भी इसका रिकॉर्ड नहीं है कि इसके बाद में ये लेक्चर दिए गए इस प्रकार के। अच्छा, यहाँ पर ये जो है घटनाक्रम, क्योंकि 14 जनवरी को घटनाक्रम क्यों रुका दिया, क्योंकि 14 जनवरी को जो लेक्चर्स आगे हम पढ़ने वाले हैं वो बंद हो गए। उससे रिलेटेड जितना इतिहास है उतना ही यहाँ वाटपास बता रहे हैं, लेकिन उसके आसपास की घटनाएं वो आगे संक्षेप में दे देंगे। लेकिन इस दिन ये हुआ, ये जो घटनाक्रम हम देख रहे थे नवंबर से, 10 नवंबर से, इसको यहाँ पर बंद किया गया है। अभी यहाँ मैं कुछ मैसेजेस देखे थे, अब एक मिनट में वो देख लेते हैं बाबा ने किस प्रकार के कार्य सिद्धि हेतु उपवास रखे थे, और हम प्रेमीजन उपवास की कुछ महत्ता नहीं रखते। जय बाबा। अच्छा, जय बाबा पुरस्कर भव पद्मावर भव सुनीता दीदी अमृत दीदी। ठीक है, डॉक्टर थावरे जी का यहाँ एक सवाल है, उसका 2 मिनट में हम जवाब देते हैं। डॉक्टर थावरे जी, आप जरा कृपा करके, मुझे पता है आप डॉक्टर है, आपका क्लिनिक है, और भी आपका बाबा कार्य करते हैं, परंतु कोशिश करना प्लीज कि लेक्चर रेगुलर बुक रीडिंग अटेंड करें और रिकॉर्डिंग भी देख ले। मैं इसलिए कह रही हूँ कि इसकी चर्चा ऑलरेडी एक सेशन में पूरी हो चुकी है। बाबा को अपने आप को कुछ साध्य नहीं करना था, क्योंकि वो स्वयं परिपूर्ण है, और इस यही बताने की यहाँ पर वो एडिटर कोशिश कर रहा है कि बाबा का एकांतवास, बाबा के उपवास, वो जैसा गहन हो रहा है, स्ट्रिक्ट हो रहा है, उसके साथ में बच्चों में क्या तब्दीली आ रही है, क्या फर्क हो रहे हैं। तो बाबा ने कभी बताया नहीं कि किस कार्य के हेतु उन्होंने उपवास रखे, एकांतवास रखा, ना ही किसी ने उनसे पूछा है। यहाँ उसका समन्वय जोड़ करके उनका ये प्रयास है कि बाबा के उपवास, एकांतवास, केवल उपवास नहीं थे डॉक्टर थावरे बाबा, एकांतवास में भी थे, और ये उपवास 6.5 महीने, 5.5 महीने, करीब 6 महीने चला, जो कि केवल एक कप कॉफी पर था। आप डॉक्टर है, आप उसकी ये कर सकते हैं कि इतना मतलब ये बायोलॉजिकली संभव असंभव, कितना मुश्किल था। और बाबा एकांतवास में भी थे, और बाद में 2 महीने बाबा ये क्रिप्ट केबिन के बाहर बाबा ने कदम तक नहीं रखा, इतना ये कड़क था। और इसी दौरान बाबा बच्चों में यह आध्यात्मिक विकास लाना चाह रहे थे,
किसी भी जीवात्मा को इसी जन्म में चंद हफ्तों में उसका इतना आध्यात्मिक विकास करना कि वो छठवीं भूमिका तक पहुंच जाए। एक टीनेजर बच्चा खाना पीना यहाँ तक कि खेल कूद जो कि बच्चों की जान होती है वो भी भूल कर वो केवल बाबा के प्रेम में बाबा के पास बैठना चाहे, मतलब कितनी उच्च बियॉन्ड इमेजिनेशन कल्पनातीत है ये जो उसमें से साध्य हुआ बाबा को, ये कल्पनातीत है, ये हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसके साथ उसका संबंध जरूर होगा, इतना ही हम यहाँ कह सकते हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ द डैम ब्रेक्स हाई ड्रामा एंड द इमर्जेंस ऑफ द प्रेम आश्रम की, प्रेम आश्रम की शुरुआत। अभी तक हमने क्या देखा कि हजरत बाबा जान स्कूल कैसा खुला, हजरत बाबा जान हाई स्कूल कैसा खुला, मेहर आश्रम की शुरुआत कैसे हुई। अब हम देखेंगे प्रेम आश्रम का उदय कैसा हुआ, ये शुरुआत प्रेम आश्रम की कैसे हुई, ये जो बहुत बड़ा एक नाट्य वहाँ पर घटित हुआ वो कैसा और क्या है, ये जो एकदम ये धरना जो था उनका जो क्या बोलते हैं डैम, ये कैसा, ये प्रेम का दरिया कैसा उफान में आके वो उसका बांध कैसा टूट गया, इसके बारे में मतलब जनवरी से लेकर के, क्योंकि हम 14 जनवरी को यहाँ रुक गए हैं घटनाक्रम में, अब 14 जनवरी से लेकर के मई 1928 में क्या क्या घटा इसका एक संक्षेप में ब्यौरा यहाँ दिया है, उसको हम देख के फिर आगे चलते हैं। देखो कई बार कई चीजें जो है मैं मानती हूँ इस किताब में, इस बार कई चीजें दोहराई गई है वही वही चीजों को, वी कांट हेल्प इट, वी विल जस्ट रीड एंड गो अहेड। द इवनिंग लेक्चर सीरीज केम टू क्लोज जस्ट एट द मोमेंट द डैम वाज ब्रेकिंग एंड द टॉरेंट ऑफ लव वाज रेजिंग आउट ऑफ कंट्रोल विद इन द मेयर आश्रम। अब जो ये शाम के लेक्चर है ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उसके कारण ही ये किताब है। अब चंद पन्नों के बाद हम वो लेक्चर देखेंगे और बहुत सुंदर सुंदर उसमें आकृतियां हैं, चार्ट्स है, ये सब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो उसके पहले ये सीरीज जो है शाम के प्रवचन बाबा ये टीनेजर छोटे बच्चों को देते थे ये खत्म हो गए। इनका खत्म होना बच्चों का सभी एकदम रोना एंड द टॉरेंट ऑफ लव वाज रेजिंग आउट ऑफ कंट्रोल, और ये जो उनका रोना है अनियंत्रित रूप से मेहर आश्रम में होना, ये सब एक साथ हो रहा है। उनका संबंध यहाँ प्रस्तापित करने की कोशिश हुई है, हालांकि उसको प्रत्यक्ष रूप से ऐसा कुछ कहा नहीं जा रहा है क्योंकि ये कहेंगे तो फिर ये इसको प्रूफ करो, ऐसा कोई बोलेगा, इसका कोई प्रूफ नहीं होता है, इसको कुछ साबित नहीं कर सकते हैं। लेकिन कैसे, ऐसा कि आपने अभी डॉक्टर थावरे जी ने कहा कि बाबा के उपवास किसके लिए थे, तो हम ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन संबंध रखा जा सकता है कि उसी दौरान बाबा ने किए, वहीं पे किए, उसके साथ बच्चों का प्रवचन भी चल रहा था, बच्चों की प्रगति भी चल रही थी, तो उसका कोई खास संबंध होगा जरूर, इतना हम कह सकते हैं। We have already seen how this began to happen on a mass scale on New Year's Day, with the entire schoolboy population on the hill weeping so loudly that they could be heard a quarter of a mile off. हमने ये पहले ही देखा है कि 1 जनवरी 1928 को अचानक सारे के सारे मेहर आश्रम के सभी, not a single out, एक भी छोड़ के नहीं, सारे बच्चे कैसे एक पूरा समुदाय में रोने रहे और इतना अनियंत्रित रूप से जोर जोर से चीखते चिल्लाते रो रहे थे कि उनका रोना टीले के नीचे पाव मील दूरी तक उनकी आवाज सुनाई दे रही थी, चीखने चिल्लाने रोने की। Over the next few days, the student body as a whole returned to normalcy, but the select few were precipitated into high order spiritual experiences and around the dramas connected with these boys. The life of Meher Ashram largely returned, especially over the next 2 months. अच्छा, अब जब ये सारे अनियंत्रित रूप से चल रहे थे तो धीरे 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 क्या हो गया, कम होते गया और बाकी सब बच्चों को तो नॉर्मल आ गए, लेकिन इनमें से कुछ गिने चुने बच्चे जो थे, एक दल था
वो है कि अभी भी वो उच्च आध्यात्मिक अनुभवों को अनुभव कर रहे थे और ये इससे अगले 2 महीने में एक बहुत बड़ी घटना मेरे आश्रम में घटित हुई। दिस प्रेजेंट बुक ऑफ कोर्स सेंटर्स ऑन द लेक्चर्स इन क्रिएशन एंड इट्स कॉजेस एंड द पोर्शन ऑफ द मेहर आश्रम हिस्ट्री बेरिंग डायरेक्टली ऑन दोज लेक्चर्स कम्स टू एन एंड इन द मिडल ऑफ जनवरी। इस ये किताब ही इसलिए है कि ये जो शाम के लेक्चर उसमें सम्मिलित किए गए है और ये जो श्रृंखला है लेक्चर्स की ये जनवरी में खत्म हो गई है। बट सिंस द स्टोरी ऑफ बाबाज वर्क विद द स्कूल्स इन इज एन इंटीग्रल होल वी विल कंटिन्यू द अकाउंट हियर इन ब्रीफ फ्रॉम थ्रू द क्लोजिंग ऑफ मेहर आश्रम इन जनवरी 1929 एंड द ग्रेजुअल वाइंडिंग डाउन ऑफ एक्टिविटीज विद प्रेम आश्रम बॉयज ओवर द ईयर और टू आफ्टर दैट। तो यहाँ पर बाबा का कार्य जो है ये एक महत्वपूर्ण पूरा कार्य का एक हिस्सा है। सो इसके बारे में संक्षेप में आगे भी हम देखेंगे। 14 जनवरी को रुकेंगे नहीं क्योंकि 14 जनवरी को लेक्चर खत्म हो गए। तो मेहर आश्रम जो है जनवरी 1929 को बंद किया गया और धीरे धीरे जो प्रेम आश्रम है वो भी आगे के 1 या 2 साल में खत्म हुआ गया, खत्म किया गया। Those who would like to read this history in greater detail are referred to especially to Ramjus Abdullah's moving chronicle in Sobs and Throbs, which focuses especially on the saga of Ali, Aga Ali, since this was the topic which Baba had given to Ramju for this literary assignment. अब यहाँ वो कह रहे हैं कि आगे भी कुछ चलता गया मेहर आश्रम प्रेम आश्रम में, लेकिन यहाँ उसको हम इन डिटेल पूरा तफसील से नहीं देखेंगे क्योंकि वो हमारा किताब का विषय नहीं है। जिसको किसको इसके बारे में बहुत दिलचस्प है जानना है वो रमजू अली की डायरी है, ऑनलाइन में भी सॉफ्ट कॉपी उसकी उपलब्ध है, मतलब बाबा का अपना ट्रस्ट का साइट में, और सॉफ्ट थ्रॉब्स जो उसकी किताब है जिसमें कि सैयद अली या तो उसका नाम बाद में उसको आगा अली बोलते थे इसके विषय में है। अब केवल आगा अली क्यों, उसके अलावा भी कई लोगों को उच्च आध्यात्मिक अनुभव हुए, परंतु मेहर बाबा ने रमजू को यह विषय दिया था उसकी डायरी के लिए। बाबा ने उसे कहा कि आगा अली के विषय पर तुम लिखना और इसके लिए वो एक जो किताब है सॉब्स एंड थ्रॉब्स उसमें आगे आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी मिल जाएगी और किसी को पढ़ना है तो वो आप पढ़िए, ऐसा यहाँ पर कहा है। और हम लोग भोपाल में ये कर चुके हैं ना सभी, कोइंसिडेंटली देखो भोपाल के अभी नाफ्ते जी यहाँ हो गए मुझे मालूम नहीं, तो क्या हुआ जब हम 93-98 भोपाल में थे और ये इन लोगों की हमेशा चाचा जी नाफड़े जी इनकी कोशिश होती थी किसी को बाहर से व्याख्यान के लिए लाने का, वार्ता के लिए, या तो तभी उनकी बात रमजू अली के बेटे के साथ हो रही थी और उसने कबूल किया था कि रमजू अली की डायरी के सारे पन्ने वो सेंटर को दे देंगे भोपाल सेंटर को पढ़ने के लिए, और इसका पढ़ना भी शुरू किया था। कुछ दिन पढ़ने के पश्चात उनका पत्र आया कि उन्होंने किसी के साथ कबूल किया है कि मैं कहीं भी उजागर नहीं करूंगा, इसको किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। देखो आया वापस वो कॉपीराइट का इश्यू जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और वो उसने जो बोला कि चूंकि अभी इसके ऊपर किताब निकलेगी प्रकाशित होगी और मैं उनको वो डायरी पूरी दे चुका हूँ, देने का वादा किया है और उनने मुझसे कबूल किया है कि और किसी को मैं शेयर नहीं करूंगा, तो अब मैं आपको शेयर नहीं कर सकता हूँ। ये घटना तुमको याद होगी, लेकिन हमने कुछ वहां से पन्ने वहां पर चाचा जी पढ़ के सुनाते थे। नाफड़े जी है क्या यहाँ पर, प्रदीप नाफड़े है, ज्वाइन नहीं किया आज। हाँ जय बाबा। कुमार भैया आपको याद है ना ये आज? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सही सही है ना? बिल्कुल सही। हाँ जबलपुर में रहते थे अब्दुल साहब, यार अब्दुल साहब। हाँ फिर वो बॉम्बे शिफ्ट हो गए। अच्छा हाँ हाँ थैंक यू। जय बाबा। बट देयर वर अदर्स अमंग द मेहर आश्रम इनमेट्स passing through experiences of even higher order than Ali did, that Ramju does not relate
as fully. अच्छा यहाँ पर वार्ड पार्क्स लिखते हैं कि आश्रम में और भी बच्चों थे जिनको आगाली से भी उच्च आध्यात्मिक अनुभव हुए थे और स्टाफ को हुए थे, लेकिन उसके बारे में रमजू ने यहाँ कुछ भी लिखा नहीं. अब्दुल्ला पकरवान told his own story in a Persian narrative that Kaikhosru Afsari incorporated into Kashf-ul-Haqiqi 1929, released in English translation in several places. अच्छा ये अब्दुल्ला पकरवान जो कि छठवीं भूमिका में स्थित हो गया, छठवीं भूमिका मतलब उसका बेड़ा पार हो गया, अब केवल सातवीं भूमिका में उसको गॉड रियलाइजेशन मिल जाएगा. ही विल बिकम वन विद द ही विल बिकम सद्गुरु. बाबा ने बोला था वो मेरे मदद आएगा, वो आगे वो मेरे मदद करेगा वगैरह. तो छठवीं भूमिका मतलब गाड़िया महाराज की भूमिका, जिसमें गाड़िया महाराज भी छठवीं भूमिका थे, मतलब छठवीं भूमिका में वो ईश्वर को आमने सामने रूबरू देखता है, ऐसी वो भूमिका में. इतनी उच्च आध्यात्मिक अनुभव अब्दुल्ला पकरवान को मिलने के बाद उसने बाद में अपनी कहानी पर्शियन में बताई. और जो कई खुशरू अफसेरी थे उन्होंने, कई खुशरू अफसेरी मतलब राव साहेब ना, तो उन्होंने उसको कश्फ अल हकीक, इसका हमने पहले भी जिक्र इस किताब में देखा है. तो ये जो कश्फ अल हकीक है 1929 में, इसमें ये लिखी है पूरी कहानी अब्दुल्ला पकरवान की, जो कि बाद में इंग्लिश में भी प्रकाशित हुई और कई काफी विविध जगह पर उसको रिलीज भी किया गया. तो देखना पड़ेगा अभी ये किताब किसी के पास है क्या. मेनी अदर, आप लोगों को भी इसके अगर कुछ छानबीन मिलता है कुछ, ये किताब जो है अब्दुल्ला पकरवान के बारे में, तो सभी लोग खोज कीजिए, कहीं किसी को मिलेगा तो जरूर बताना. Many other small episodes appear in Chanji's diary, major extracts from which will doubtless be published in time. अच्छा ये हमने पहले भी देखा कि उन्होंने लिखा है कि चांजी की डायरी अभी भी अनपब्लिश है, जिसके 700 पन्ने हैं और विविध लोगों ने वो डायरी लिखी है. और मैंने तब कहा भी था कि शायद आगे का पब्लिकेशन किताब हमको ये चांजी की डायरी शायद पढ़ने को मिलेगी. तो इन्होंने कहा कि चांजी के डायरी में और भी और भी बाकी छोटे मोटे जो एपिसोड से घटनाएं हैं चांजी की डायरी में उसको लिखा गया है. और इसमें से काफी मोटा मोटा जो है इसके बारे में अभी कुछ ही दिनों में प्रकाशित ये हो जाएंगे. मुझे लगता है कि उनका कार्य इसके ऊपर चालू होगा अभी. एंड ऑफ कोर्स अ फुल क्रॉनिकल ऑफ द एंट्रीज पीरियड कैन बी फाउंड इन लॉर्ड मेहर. और लॉर्ड मेहर में तो पूरा इसका ब्यौरा किसी को भी देखना है, काफी लोग लॉर्ड मेहर पढ़ भी रहे हैं, तो इसमें पूरा आपको इस बारे में पढ़ने को लॉर्ड मेहर में भी मिलेगा ही. तो लॉर्ड मेहर में उन्होंने 76 नंबर का एंड नोट दिया है, वो इतना पढ़ करके आगे फिर जाएंगे. लॉर्ड मेहर कवर्स दिस पीरियड इन 3 chapters, 3 प्रकरण में लॉर्ड मेहर में इसके बारे में लिखा गया है. 1. Covering the Prem Ashram period at Mehrabad from December 1927 through May 1928. जैसा कि 1927 दिसंबर से 1928 का एक कालखंड है जो कि उन्होंने लॉर्ड मेहर में प्रेम आश्रम का पीरियड करके उसको लिखा गया है. दूसरा जो है वो घटनाक्रम है टोका आश्रम का. टोका में भी बाबा का आश्रम था. ये मई से लेके नवंबर 1928 का एक कालखंड टोका आश्रम का कालखंड करके लॉर्ड मेहर में सम्मिलित है. और तीसरा जो है एंड द थर्ड द वाइंडिंग डाउन ऑफ एक्टिविटीज फ्रॉम दिसंबर 1928 थ्रू मई 1929. तो तीसरा जो कालखंड है वो दिसंबर 1928 से लेकर के मई 1929 तक का जो है यह पीरियड है कि अब बाबा का कार्य अलग रूप ले रहा था. और ये जो पहले की सारी गतिविधियां थी ये सब बंद करने का ये पीरियड है. ये तीसरा कालखंड लॉर्ड मेहर में बताया है. बाकी पेज नंबर उन्होंने दिए है, किसी को देखना है तो आप नोट कर सकते हैं अपने पास डायरी लेके बैठे यदि है तो. Volume 3 है, पेज नंबर 992 से लेकर के ये
1153 तक वो है, और लॉर्ड मेहर मौन मौन मौनवाणी, ऐसा क्यों दिया है, लॉर्ड मेहर मौनवाणी का वॉल्यूम 2 में है, पेज नंबर 733 से लेकर पेज नंबर 849 तक है उसमें। हाँ, ये हो गया नोट नंबर 76, कहाँ पर थे हम, या ठीक है। अच्छा, ये एक चित्र देख लीजिए, अस्पंदर वेस्ली, उसके बारे में अब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा है, ये अस्पंदर वेस्ली है, दिखाई दे रहा है जी, और ये थोड़ा ये किताब छोटा, ये अब्दुल्ला पकड़वान है, छोटा बाबा कहते थे, ये अपने आनंद में बैठा है, देखिए कितना अच्छे से उसका रखा है, जो कि छठवीं भूमिका तक उसको बाबा ने ये किया था, ये वेस्ली है और ये अब्दुल्ला पकड़वान है। तो आगे पढ़ते हैं, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ न्यू फेज कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्यू इलाइट सोल्स फ्रॉम अमंग द मेहर आश्रम बॉयज ओवरहेड बाय लव एंड कैरिड into the higher reaches of the inner realms could be dated to 11th January with the sudden overpowering and collapse of Abdullah Pakarwan as related in the chronology above. अच्छा, यहाँ एक एंड नोट है, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो बिगिनिंग फेज है, जो कि इसका वैशिष्ट्य था, जो कुछ चंद उच्च भूमिका प्राप्त किए हुए, प्रकाशित हुए हुए, आध्यात्मिकता से प्रकाशित हुए जो आत्मा थे मेहर आश्रम के बच्चों में से, जिनमें कि प्रेम का बहुत उन्माद निर्माण हुआ, कि जो रोते गए हैं, और जो अंतर्वर्ती भूमिका जो है आध्यात्मिकता में, उसके अंदर अवस्था में, उच्च अवस्था में पहुंच गए, ये सब जो है ये इसका वर्णन किया गया है, जा सकता है 11 जनवरी से। और एक तो अब्दुल्ला पकरवान जो है अचानक बहुत प्रभावित हो गया इस दैवी प्रेम से, जैसा कि 11 जनवरी का घटनाक्रम में हमने देखा है। यहाँ पर एक एंड नोट है, उसको पढ़ करके मेरे ख्याल से आज इसको केतकी को ये करना है, इतना पेज खत्म करेंगे फिर रुक जाएंगे, ये हो नहीं पाएगा हमारा जैसा हमने तय किया था, देखते हैं थोड़ा फास्ट फास्ट ले लेते हैं। ओके, कहाँ गया वो 77 नंबर, तो बस आने जाने ले, इतने सात बदर 77। अच्छा, ये एक एंड नोट है, यहाँ जो दिया है अब्दुल्ला पकरवान के संबंध में, एक महत्वपूर्ण नोट है, ध्यान देकर इसको सुन लीजिएगा। इट इज डिफिकल्ट टू कोरिलेट इन अ प्रिसाइज वे द क्रोनोलॉजी ऑफ अब्दुल्ला पकरवान ओन अकाउंट with the, what we can derive from Chanji's diary and other contemporary sources. Chanji diary और बाकी जो संदर्भ है उससे अब्दुल्ला पकरवान ने स्वयं जो अपना बताया वो काफी घटनाक्रम थोड़ा चित्र विचित्र या उसका संबंध नहीं हो पा रहा है, मुश्किल है वो उसको एक तरह से संक्षेप में उसको एक दूसरे के साथ जोड़ना, क्योंकि कई घटनाएं कहीं अलग दी है, कहीं अलग दी है। पकरवान डिस्क्राइब्स 3 ट्रांसपोर्ट्स इनटू हायर स्टेट्स, उच्च अवस्था में 3 महत्वपूर्ण अवस्थाएं पकरवान ने वर्णन की है। द फर्स्ट सीम्स टू हैव टेकन प्लेस इन नवंबर और दिसंबर ऑफ 1927, जो पहली उच्च अवस्था थी अब्दुल्ला की वो नवंबर या दिसंबर के 1927 में थी। Second, probably in December, and the third, as Pakarwan says himself, happened in January 1928. Abdullah ki jo dusri mahatvapurna uchcha avastha thi, wo shayad December mein thi, aur teesri jo uchchatam avastha thi, jo ki Abdullah swayam bolta hai, wo January ke 1928 mein hui. Though Pakarwan narrates the third of these transports in a fairly abbreviated way, and then closes his account, it was apparently this higher experience that gave rise to the tense drama and whirl of activity described in Chanji's diaries from the second half of January and chronicled again in Lord Meher. तो जैसा कि है तीसरा जो महत्वपूर्ण एपिसोड घटना है उसके बारे में एकदम संक्षेप में
अब्दुल्ला ने बताया है और वहां पर अपना जो कहानी है खत्म की है, पर ये जाहिर है कि इतना उच्च अध्यात्म अनुभव के बाद ये जो यहाँ पर बहुत बड़ा नाट्य हुआ मेरा आश्रम में, और जैसी गतिविधियां जोरों से चल रही थी जो कि चांजी के डायरी में दी है, जो कि जनवरी के मध्य से लेकर दी है और जिसको लॉर्ड मेहर में भी घटनाक्रम इसका दिया है। इन द 11th मतलब अब्दुल्ला ने तो अपना अनुभव बोल के वहां पर अपनी कहानी खत्म की, लेकिन इसके उपरांत बाकी लोग और वहां पर कई सारा घटित रहा था, ये चंजी की डायरी में और लॉर्ड मेहर में हमको देखने को मिलता है। इन द 11th January 1928 एंट्री इन चांजीज डायरी वी आर टोल्ड दैट नो लेक्चर एज यूजुअल। तो चांजी की डायरी में 11 जनवरी 1928 में लिखा है कि हमेशा की तरह कोई लेक्चर हुआ नहीं है। अब्दुल्ला फॉल्स इन अ सून सेंसलेस टेकन टू हॉस्पिटल। अभी हमने देखा कि 11 जनवरी को वो एकदम बेहोश हो गया और उसको अस्पताल में भर्ती किया गया था। श्री गोज इन ऑल ऑर्डर टू गो अवे, और बाबा ने सबको आज्ञा दी कि सब चले जाए 7:30 को। रिपीटेड इंक्वायरीज डेंजर पास्ट। तो इस दिन हमने देखा कि बाबा ने उसको चाय का कप दिया और बाबा ने स्वयं बोला कि वो इंटरवेन नहीं करते तो अब्दुल्ला मर जाता था, तो बाबा ने किसी तरह से उसको बचा लिया। और इतना बाबा उसमें व्यस्त थे और कंसर्न था कि उस दिन का शाम का लेक्चर मंडली का, उस दिन का बच्चों का लेक्चर, यहाँ तक कि बच्चों को शाम को बाबा ने दर्शन भी नहीं दिया था। तो बाबा ने सबको जाने को आज्ञा दी। रिपीटेड इंक्वायरीज डेंजर पास। दिस एपिसोड्स गेट्स अलूड टू अगेन इन सम डिटेल इन द एंट्री ऑफ 27th January विच साइट्स द 11th एज द डे ऑन विच दिस हैपन। ठीक है, तो चांजी की डायरी का पन्ना वगैरह दिया है उन्होंने, उसको अभी रिपीटेशन है, मैं कुछ इसके बारे में हम नहीं और जाएंगे और आगे। इट वाज ओवर दिस पीरियड इन द सेवरल वीक्स आफ्टर 11th जनवरी दैट पकरवान वाज लिफ्टेड अप टू द 6th plane। यही ये समय था, ये 11 जनवरी के उपरांत कुछ हफ्तों बाद पकरवान को, अब्दुल्ला पकरवान को 6th भूमिका तक ऊपर उठाया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। His earlier experiences in November and December appear to have been essentially preparatory to this। तो यहाँ ये एडिटर का कहना है कि ये 11 जनवरी का जो घटना अब्दुल्ला पकरवान अलियास छोटा बाबा के साथ में हुई, कि वो एकदम प्रकाश, तेज प्रकाश, उसने जब बाबा लेक्चर दे रहे थे तो खिड़की से बाबा लेक्चर देते थे, बाबा क्रिप्ट केबिन में बैठे थे, बच्चे बाहर प्लेटफॉर्म में बैठे थे, क्रिप्ट केबिन में से जब बाबा लेक्चर दे रहे थे तो वो खिड़की से उसने एकदम तेज प्रकाश आते हुए देखी और फिर वो बेहोश होके गिर गया और उसको अस्पताल ले जाना पड़ा। इस घटना के कुछ हफ्तों के बाद ही उसको 6th भूमिका तक ऊपर लाके उसको बाबा ने 6th भूमिका में स्थित किया। यहाँ पर यह महत्वपूर्ण बात है। 3 days after this Aspandar Wesley, यहाँ पर थे ना हम, या 3 days after this Aspandar Wesley, who first among all the boys had actually had his own initiation into the mystical realm starting back in the previous August, paid him a visit in the ashram hospital। अच्छा, तो Aspandar Wesley करके भी मेहराश्रम का ही बच्चा था और वास्तव में सब बच्चों में सबसे पहले जो है ये अनुभव, उच्च आध्यात्मिक अनुभव, ये Aspandar Wesley को आने शुरू हुए थे, जो कि पिछले अगस्त में आए थे। और ये जो गूढ़ अवस्था का अनुभव का शुरुआत Aspandar में हुई थी, तो ये ये सब बच्चों में पहला था जिसको ये अनुभव आया था। तो जब अब्दुल्ला को अस्पताल में भर्ती किया गया तो वहां पर Aspandar Wesley उसको मिलने जाता है और लॉर्ड मेहर रिलेट्स द इनकाउंटर दस। तो आगे लॉर्ड मेहर से उन्होंने एज इट इज उसको लिया है, उसको पढ़ के हम यहाँ रुक जाएंगे, चंद लाइनें हैं।
तो ये देखो अस्पंदर वेस्ली एक लड़का है जो स्वयं भी उच्च आध्यात्मिक अनुभव ले चुका है। सबसे पहले लिया वो अब्दुल्ला को मिलने अस्पताल जाता है, छोटा बच्चा दूसरे बच्चे को मिलने जाता है। वहां उन दोनों की बात देखो कितने हायर स्टेट की बात है, बहुत दिलचस्प बात है, आप उसको सुन लीजिए। अभी देखो अस्पंदर उसको पूछता है अब्दुल्ला को, अब्दुल्ला डू यू नो मी, वो अस्पंदर पूछता है, वेस्ली पूछता है अब्दुल्ला को, पकड़वान को, कि अब्दुल्ला तुम मुझे जानते हो। अब्दुल्ला सेमी कॉन्शियस ओपन हिज आईज एंड सॉफ्टली रिप्लाइड, जो अब्दुल्ला था वो अर्धमूर्छित या अर्ध चेतन अवस्था में था, आधा अचेत वो था, सेमी कॉन्शियस, उसको पूरी चेतना नहीं थी, पूरा होश नहीं था। तो वो अपनी आंखें खोलकर एकदम धीरे से बोलता है यस। वो पूछता है वेस्ली तुम मुझे जानते हो, अब्दुल्ला केवल कहता है हाँ जी हाँ। वेस्ली पूछता है हु एम आई, वेस्ली ने पूछा मैं कौन हूं। यू आर बाबा, अ मैच बॉक्स वॉज, तो ये उत्तर किसने दिया, अब्दुल्ला ने। वेस्ली ने पूछा मैं कौन हूं, अब्दुल्ला उसे बोलता है तुम बाबा हो। अ मैच बॉक्स वॉज लाइंग नियर बाय एंड वेस्ली पिक्ड आउट वन मैच एंड हेल्ड इट अप टू हिम। डू यू सी दिस, व्हाट इज इट। तो वेस्ली ने पास में एक मैच बॉक्स पड़ा था तो उसने उठा के उसमें से एक काड़ी उठाई और वो उसको पूछता है मैच उठाइए। और उसने देखो एक बच्चा दूसरे को पूछ रहा है इसलिए मैंने बोला जो पहले अनुभव कर चुका था वेस्ली, वो वेस्ली ने वो काड़ी उसको पकड़ के पूछा डू यू सी दिस व्हाट इज इट। मैच बॉक्स की एक काड़ी पकड़ के वो अब्दुल्ला को पूछता है तुम इसे देख रहे हैं, ये क्या है। इट इज बाबा, अब्दुल्ला आंसर्ड। अब्दुल्ला बोलता है ये भी बाबा है। वेस्ली ने पूछा तुम मुझे जानते हो, उसने कहा हाँ। मैं कौन हूं, बोला तुम बाबा हो। काड़ी को दिखाया पूछते ये कौन है, बोलते बाबा है। इसका अर्थ हर जगह हर चीज में उसको बाबा मिलते दिखते थे और यही वास्तव है, वो घट घट में है, हर जगह में मौजूद है और ये वास्तव उसने देख लिया था। ये यही होता है छठवीं भूमिका में, हर जगह उसको ईश्वर दिखाई देता है, वो रूबरू सामने उसको ईश्वर को देखता है। वेदर अब्दुल्ला वॉज आस्क्ड, वॉट एवर अब्दुल्ला वॉज आस्क्ड ही वुड आंसर विथ ओनली वन वर्ड बाबा, ही सॉ बाबा एवरीवेयर। वो अब्दुल्ला को जो भी पूछते थे वो बोलता था बाबा, और हर जगह उसको बाबा ही बाबा नजर आते थे। तो यहाँ पर आगे और भी दिलचस्प है और ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके लिए मैं इसको ना एक सिटिंग में इसका पूरा खत्म करना चाह रही थी, पर कोई बात नहीं, आज क्योंकि केतकी को वहाँ राखी के प्रोग्राम में भजन गाना है इसलिए हम यहाँ पर आज रुक जाते हैं थोड़ा हेजिटेटिंगली, क्योंकि आगे हम आज दो पन्ने खत्म करने का सोचा था। ये जो महत्वपूर्ण इंसिडेंट है, ये दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, ये बहुत दिलचस्प है, इसको आगे हम देखेंगे आगे के लेक्चर में। यहाँ हम वेस्ली अब्दुल्ला को मिलने अस्पताल गया है, यहाँ तक रुक जाते हैं। बाबा के आभार, आप सबके आभार, थैंक यू केतकी, कोई भी प्रेयर ये छोड़े नहीं प्रेयर बिना। गांगड़े सर आज तुम्हें प्रार्थना, आज आप बोलोगे प्रेयर इंग्लिश में, मेरा बदला। अच्छा ओके सॉरी, आमच्या सगळ्यांचा या ग्रुप मध्ये आता जेवढे जुडले त्यांचा, आमच्या सगळ्यांचा प्लीज बाबा नाम से प्रेम द्या, नमस्कार द्या, थैंक यू। हाँ दिसलं मला ते, थैंक यू थैंक यू। आप सब लोग देख रहे हैं चित्तरंजन गांगड़े सर वहां मेहराबाद में है, और जिस म्यूजियम की या रूम नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं वहीं पे वो बाहर खड़े हैं, शेड में खड़े हैं शायद, दक्षिण की तरफ है। हाँ यहाँ पर ये बच्चों को बाबा लेक्चर दिया करते थे, इसको बोलते हैं वेस्ट टैंक रूम। तो सही समय पे अच्छा हुआ आपने वीडियो ऑन किया, थैंक यू गांगड़े सर, जय बाबा। नाफड़े भाऊ हिंदी में प्रेयर करेंगे प्लीज, नाफड़े जी।
प्रदीप कुमार नाफड़े जी बोलू दीदी। हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए। जय बाबा। थैंक यू। जय बाबा अवतार मेहर बाबा की जय। हे परवरदिगार सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है, तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंड हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो, तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो, तुम सब लोकों पर हो और समस्त लोकों से परे हो। तुम तीनों भुवनों में हो और तीनों भुवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो, तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम सर्व दयामय हो और सतत परितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म हो और परात्पर परब्रह्म भी हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजान हो, अहुर्मस हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम ईजत अर्थात एक विश है। ए असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित ना था और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित ना था। स्वार्थ प्रेरित हर एक कर्म शब्द और विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक काम विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, सब असत्य वचनों के लिए और सभी निंदा पाखंड दम या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है उसको भी क्षमा कीजिए। ये हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिकाधिक प्रेम करें और अधिक और अधिक और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझमें मिलकर एक हो जाने के बाद न बन जाएं। और तू हम सबकी ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक बाबा का दाम दृढ़ता से पकड़े रहे। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। मेहर राजे राज तुझो प्रण जगत मास, बांधी बिठा छे आश तुझ पर छोड़ी सर्वे काज। सुख नो सागर स्वरूप सुंदर ज्ञान नो भंडार, जगनी खातिर उपाड़िया तूने कष्ट पार। भजातारी तुझावे सर्वे देवो ने
शांति बख्शे थे तू सौ संतो निहपार दिखा के हम बंदो ने सर्व देखा दियो आत्मिक सार सिखा दियो हमने संत मार्ग ईश्वरी अवतार मेरे राजे राज आज बाकी बिठा के आश तुझ पर छोड़ी सर्वकार जात भेद के दूर करी ने ता सर्वे उपसा खरे खिदानो ध्यान बच्चो से मारू हरण करी ने काप्या पाप अपार सर्वे सुखो ना भोगे ते कीधा छे उपकार मेहिर राजे राज तुझनु त्रणे जगत मा आश बांधी बैठा छे आश तुझ पर छोड़ी सर्वे काज शरण छे तुझने सर्वे जेओ रहे छे तुझनी पास बगी छे देओ अंजान जेओ न जाने तुझनी खास रची छे बाजी तरे तरे नी राखी एक विचार बचावे जीवड़ा तोड़ावे सांख शिखावी ने प्यार मेहर राजे राज तुझनु तरे जगत मा आज बांधी बैठा छे आश तुझ पर छोड़ी सर्वे काज अर्ज हमारी कबूली दे जो तरावी हमने पार सर्वे सर को ना मानी जो तुम जगनाता रणहार तलब तमारी करे छे कुल संतो ने जरदार कर नसीब तुझनी ओ खुदाई अवतार मेर राज राज तुझनु तड़े जगत मा आज बांधी बैठा छे आश तुझ पर छोड़ी सर्वे काज सुखनो सागर स्वरूप सुंदर ज्ञाननो भंडार जगने खातर उपाड़िया छे दुखो ते अपार मेहर राज है राज तुझनु त्रणे जगत माज मेहर राज है राज तुझनु जगत माज बांधी बैठा छे आश तुझ पर छोड़ी सर्वे काज अवतार मेहर बाबा की जय अवतार मेहर बाबा की जय अवतार मेहर बाबा की जय जय बाबा।